मुझे ये बता दें कि अगर कोई मर्द सही अंदाज में अपने फराइज अंजाम दे रहा है और किसी के साथ कुछ ज्यादती नहीं कर रहा, तो उसको किसी भी किस्म के कानून से डरने की क्या जरूरत है? मुझे एक बात बताइए, जो मेजोरिटी ऑफ माय मेन आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज डिलिजेंटली, तो ऐसे बिल को लाने की क्या जरूरत है? दुरुस्त फरमाया आपने, हमको बचाने वाला फरिश्ता आ गया। आप यहाँ आइए, कल्प्रिट का नाम लिखिए, इट बी मैन और वुमेन। लॉ जब भी बनाया जाता है म्यूचुअली बनाया जाता है, व्हाई टू डिस्क्रिमिनेट मैन हियर? कितने शानदार विचार रखते हैं ऐसे माँ जो अपनी बीवी और बच्चों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर देते हैं कि वो उनसे एक वक्त का खाना मांगते हैं, उनके बारे में आप कहें कि क्या कहेंगे सर? ये अच्छा, आप मुझे आपका नाम क्या है? जो एनजीओ के हिसाब से रिपोर्ट्स आती हैं उसमें तो यही कहा जाता है कि खवातीन को जिस तरीके से किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। तमाम एनजीओ के ऊपर खरा खरी खरी लानत भेजता हूँ सब एनजीओ के ऊपर। कहीं ना कहीं सर मर्द ज्यादा जालिम प्रेजेंट हो रहा है, अपने आपको जालिम साबित भी कर रहा है ना सर, इस तरह के एक्ट करके। मैं सबसे पहले तो समर साहब को कहूंगा कि मैं भी उनमें से ही हूँ जो आपको कॉम्प्लीमेंट करता है जो आप साइकिलिंग कर रही हैं। बहुत चंगा ना मैं। दूसरी बात यह है कि आई एम इन नो कॉम्पिटिशन बिकॉज आई डोंट बिलीव कॉम्पिटिशन इन बिटवीन वुमेन एंड मैन। आपको सियालकोट का वाकया याद नहीं रहा, दो भाइयों को मारकर लाशें उनके ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे घसीटी गई थी? सर एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, सियालकोट में जो हुआ किया तो मर्दों ने ही ना सर, औरतों ने तो नहीं उठ के कर दिया। ये बढ़िया था गुरु। एक बात मैं आज करूँ जी, जी आप थोड़ा पढ़ लिखाइए, आपको पता चलेगा देयर इज नो मर्डर इन ऑन अर्थ जिसके पीछे एक औरत नहीं होती। एक ब्रेक ले ले। बस हवा निकल गई। जिनकी जिनकी किताबें पढ़ के आप पढ़े लिखे कहलाते हैं ना, ये उनका ही कहना है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। सर अक्सर आपके इंटरव्यूज देखे हैं कि आप सिगरेट पी रहे होते हैं, अभी भी जैसे कि आप मेरे साथ हैं तो अभी भी सिगरेट पी रहे हैं, आखिर इतनी ज्यादा स्मोकिंग क्यों? जैसा कि ऊपर लिखा होता है ना डिब्बी पे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। चलो भाई तुम इंटरव्यू कर, मेरी मां ना बन। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जो एक शायर भी हैं, एक राइटर भी हैं, एक प्रोड्यूसर भी हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं। नीच मैं मत बोलो तुम। महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। और औरतों के हकूक के लिए भी बहुत ज्यादा काम भी करते हो। मुझे बताएं कि उसके बाद आप पे बड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म भी आया कि एक बंदा एक दो लफ्ज़ों में मानता ही नहीं। 35-36 औरतें अगर मेरे खिलाफ क्रिटिसिज्म करेंगी, मतलब सारी लेक सिटी में कुत्ता भौंक गया तो आप कहेंगे सब लोग मेरे खिलाफ हो गए। सिर्फ औरतों ने नहीं, मर्दों ने भी इतराज किया कि जो आप क्या? उनका भी टेस्ट होने वाले हैं और पता कराना है वो मर्द। ये मुझे बताएं आपके लिखे हुए ड्रामे लोग देखते हैं, इतना पसंद करते हैं, उनको आइडियलाइज करते हैं, तो आप ऐसा क्यों कुछ नहीं लिख रहे जिन पे आज जिनसे आप लोगों को ये पैगाम दे सके कि ये ठीक है, ये गलत है, ये औरतों करना चाहिए, मर्दों करना चाहिए? कलमा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह। कितने ड्रामे देखे मेरे? मेरे पास तुम हो देखा है, काफी देखे हैं आदमी। नाम ना बताओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो दो तीन ड्रामे देख के तुम खलीफा मान को डिफाइन कर देंगे। मुझे शराब, मेरे लिए शराब बहुत बड़ी गाली है। अच्छा, उसकी माँ की आंख मुझे शराब पे अंदर चला गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम, कितनी बहनें आपकी? It was at this moment that he knew. लग गए मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारी बहनें हैं मुसलमान, सारी बहन जन्नती जन्नती। मेरी एक ही शादी। बहनों की कितनी की शादियाँ? सबकी हो। माशाल्लाह, वाजिबा, सुभान अल्लाह। कितना जहेज दिया था? कोई जहेज नहीं दिया, जो 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 अफोर्ड वो हो सका वो दे दी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। मांगा गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगा। कोई मसला नहीं हुआ? कोई मसला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, आप खातून है, आप समझा दें मेरा, जिसे मेरी मर्जी की। आप ना समझेंगे और ना समझने। मैं नहीं समझ रहा, मैं सोसाइटी को समझाना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा जिसे मेरी मर्जी आप कह रहे हैं। एक सेकंड, आप इसको डिफाइन कर दें। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक सेकंड, इनसे पहले डेफिनेशन ले लो। हाफ पे मैं दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, खातून ने देनी है। क्या इतना बुरा हूँ मैं? ये भी तो मर्द आपके साथ है। वो है तो यही तो गिने चुने मर्द है ना, गिने चुने मर्द है। ये है तो मर्द, है तो मर्द। नहीं, उनका भी उनके टेस्ट होने वाले हैं और पता कराना है वो मर्द। आप मुझे बताइए, आप चार अंग्रेजी की बातें पढ़ के
आप मेरी सोशल नॉर्म्स रिलीजियस नॉर्म्स से टकरा जाएंगे। ये मैं होने नहीं दूंगा। नोबडी विल अलाउ यू।